बंसल आई हॉस्पिटल ने आज अंबाला में नेक्स्ट लेवल की लेजर दृष्टि सुधार टेक्नोलॉजी सिल्क स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केराटोमाइल्यूसिस लॉन्च की। यह पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के मरीजों के लिए सिल्क तकनीक लेकर आया है। तो पहला मेरा बंसल आई हॉस्पिटल की तरफ से सबको बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो आज बेसिकली हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अभी हमने एक स्पेक्स रिमूवल की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है अंबाला में। तो फर्स्ट टाइम ये हम है ही हैं, बट पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सेप्ट दिल्ली NCR में ये टेक्नोलॉजी जो है, जिसका कि नाम सिल्क है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये जॉनसन एंड जॉनसन USA कंपनी की टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी अभी हमने इंट्रोड्यूस करी है और इसकी जो मशीन है वो भी हम ये आपको दिखाएंगे, जिसका कि नाम है एलिटा। ये मशीन USA ही इंपोर्ट हुई है। और ये टेक्नोलॉजी जो पहले की जो भी टेक्नोलॉजीज थी स्पेक्स रिमूवल की, जैसे कंटूरा टेक्नोलॉजी या स्माइल टेक्नोलॉजी, उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर एक तो जो हमारी जो भी सर्जरी है खाली 5 to 10 minutes में होती है, कोई भी इसके अंदर सारा 100% ब्लेड फ्री, पेनलेस, कोई एडमिशन, वो सारी चीज़ें तो पहले वाली टेक्नोलॉजीज में भी थी, बट इसके अंदर और ज़्यादा फास्ट है। दूसरी बात क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है ये एक फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है। जो नॉर्मली जब हम लेज़र करते हैं, होता क्या है कि लेज़र के अंदर, अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि हम ये जो ब्लैक पोर्शन है, जो कॉर्निया होता है, इसके अंदर हम चश्मे का जब नंबर हटाते हैं तो बेसिकली हम करते क्या है कि ये जो काली पुतली है इसकी हम शेप, ये एक हमारी आँख के लेंस का काम करती है। तो हमारे आँखों का जो चश्मे का नंबर है वो इसकी शेप के कारण होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेज़र से ऐसे इसके अंदर आँख के अंदर कोई लेंस नहीं डालते, परमानेंटली हम लेज़र से ही इसकी शेप को चेंज कर देते हैं माइनर सा, और इसका जो चश्मे का नंबर है जिससे कि वो हट जाता है। तो जो पहले की जो टेक्नोलॉजी जैसे कि फेमटो लेज़र या कंटूरा टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या करते हैं हम काली पुतली पे एक पतला सा लेयर उठाते हैं, इसको हम फ्लैप बोलते हैं। तो हम ऐसे फ्लैप उठाते हैं, लेज़र करते हैं और वो फ्लैप को हम दोबारा रख देते हैं। तो ये चारों तरफ से उसके अंदर एक स्मॉल कट लगता है, बट वो एक फ्लैप की तरह बनता है। बस ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर स्पेशल क्या है कि इसके अंदर हमें पूरा फ्लैप नहीं उठाना पड़ता। तो इसके अंदर क्या होता है, एक माइनर सा छोटा सा इंसीजन लगता है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अंदर से एक पतला सा टिश्यू निकाल देते हैं ऐसे, जिसमें अंदर चश्मे का नंबर होता है वो ऐसे निकाल देते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सील हो जाता है। तो इसलिए इसको फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे कि जो लैसिक टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर आप ये मान के चल सकते हो कि जैसे उसके अंदर 17 to 18 mm का एक पूरा कट लगता था, फ्लैप जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर खाली 2 mm to 3 mm का ही एक छोटा सा इंसीजन बनता है। तो एक तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया कि क्योंकि एक ये इंसीजन इतना छोटा हो गया कि हमारी जो एक तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी, उसके कारण सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी पेशेंट था पहले, उसको डर रहता था कि कभी हमारे को स्टार्टिंग में कुछ दिन कोई आँख में चोट लग जाए, मल ले, कभी वैसे तो वो फ्लैप हिलने का डर, कभी चोट लगने का डर, तो वो सारी चीज़ें भी एक तो बिल्कुल ख़त्म होगी क्योंकि फ्लैपलेस है, ये आपस में एकदम सील हो जाता है। दूसरी बात क्या होगी कि इसके अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसके अंदर कि इसके अंदर ड्राई आइज़ बहुत कम है। जो लेज़र है, जो कोई भी हम लेज़र करते थे तो ड्राई आइज़ थोड़ी से टाइम तो सभी को रहती है, बट इसका जो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है इसके अंदर, उसके अंदर ऐसी कुछ खासियत है कि इसके अंदर जो ड्राई आइज़ है, आँखों में सूखापन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्योंकि एक तो इसका इंसीजन जो मैंने बताया बहुत छोटा है, दूसरी बात है कि जो अंदर से हम जो इसका टिश्यू निकालते हैं वो जो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, वो एक स्पेशल टाइप की उसका जो डिज़ाइन है वो फर्स्ट टाइम बनाया, जिसको हम बाइकनवेक्स बोलते हैं। बाइकनवेक्स मतलब कि वो इस टाइप का डिज़ाइन होता है वो जो कॉर्निया का टिश्यू निकालते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, एक जो स्माइल टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर जो ये लेंटिक्यूल, जो उसमें भी लेंटिक्यूल ही निकालते थे जो 10 साल पहले आई थी, बट ये उसका एडवांस वर्जन है। उसमें जो लेंटिक्यूल निकालते थे ना वो सिंपल डिज़ाइन का होता था, इसका जो डिज़ाइन इन्होंने स्टडी किया, इस डिज़ाइन के कारण फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जब ये वाला डिज़ाइन जो स्टडी किया गया कि इसके बाद जो हीलिंग थी एक तो वो और फास्ट हुई, और इसके अंदर जो रिकवरी, जो विजन की रिकवरी थी बहुत ज़्यादा शार्प बनी पहले के मुकाबले। अंबाला से कैमरामैन युगमार्ग TV।